महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के बाद सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, लेकिन इसके लिए शिवसेना को अपनी विचारधारा से समझौता करनी पड़ी। जो शिवसेना पहले हिंदुत्व पर खुलकर बोलती थी, वो अब बोलने से बच रही है। CAA पर शिवसेना का रुख साफ नहीं है। ऐसे में AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी उद्धव सरकार को नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और NPR को महाराष्ट्र में लागू नहीं करने के लिए कह रहे हैं। ओवैसी ने सीएम उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप जल्द से जल्द विधानसभा का सेशन बुलाएं और सदन में चीफ मिनिस्टर को साफ अल्फाज में कहना है कि महाराष्ट्र में CAA, NPR और NRC लागू नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे लगाया जाएगा। ओवैसी के बयान के बाद बीजेपी शिवसेना पर चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि शिवसेना पूरी तरह से अपना हिंदुत्व छोड़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि साल 2014 से पहले भारत आए हिंदुओं को लेकर शिवसेना क्या रुख अपनाती है, ये देखना होगा। बहरहाल तीन पार्टियों की सरकार होने का हवाला देकर शिवसेना चुप्पी साधे हुए है, लेकिन नागरिकता कानून के खिलाफ पंजाब और राजस्थान में प्रस्ताव पास होने के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस पर दबाव है। ऐसे में कांग्रेस को NCP का भी साथ नहीं मिल रहा है। खबर है कि NCP भी CAA पर प्रस्ताव लाने के पक्ष में नहीं है। NCP द्वारा कहा जा रहा है कि CAA केंद्र सरकार का कानून है, इसलिए राज्य सरकार इस पर स्टे नहीं लगा सकती। अब सवाल है कि ओवैसी जो मांग कर रहे हैं, इस पर शिवसेना क्या जवाब देती है? क्योंकि शिवसेना ओवैसी को जवाब नहीं देती है तो बीजेपी ऐसे ही चुटकी लेती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।